सब लोग इसलिए आज बीजेपी में आए हैं कि एक तरफ कांग्रेस का खूनी पंजा है, कांग्रेस ने बहुत सिखों का कत्लेआम किया और विपक्ष के अंदर अब राहुल एक एंटरटेन करने वाला आदमी था, सोनिया जी लोकसभा में बैठती थी, चलो मुस्कुराती थी थोड़ा थोड़ा, उन चीजों को मिस तो करेंगे। बहुत बड़ी कम्युनिटी का आज पार्टिसिपेशन हुआ है बीजेपी में, जो उन्होंने अपने हमारे इलेक्टेड मेंबर साहिबान, 6 इलेक्टेड मेंबर, एक फॉर्मर मेंबर और हजारों की तादाद में हमारे सिंह साहिबान के मुखी ऑफिस बीरर्स, ये सब लोग इसलिए आज बीजेपी में आए हैं कि एक तरफ कांग्रेस का खूनी पंजा है, वोट हम दिल्ली में अब किसी को भी डालें, 7 सीटों पे कांग्रेस को ही जाएगी। कांग्रेस ने बहुत सिखों का कत्लेआम किया और नुकसान किया है। 1947 से लेकर लगातार 2014 तक सिखों का बहुत कत्लेआम कराया गया, पंजाब में 1,00,000 सिख 1984 से लेकर 1997 तक मार दिया गया और 20,000 सिखों की लाशें तक नहीं मिली। खालड़ा कमीशन ने इस बात की जानकारी भी दी। श्री दरबार साहब को तोप टैंकों से हमला किया गया, अकाल तख्त साहब तो गिरा ही दिया गया। एक तरफ वो लोग हैं जो अकाल तख्त गिराते हैं, एक पास तरफ मोदी जी हैं जो वहां जाके सिर झुकाते हैं, अमित शाह जी सिर झुकाते हैं, और एक तरफ वो हैं जो सज्जन कुमार टाइटलर को अपने साथ बिठाते हैं, दूसरी तरफ मोदी जी हैं जो सिख पीड़ितों को परिवारों को अपने साथ बिठाते हैं। इसलिए आज हमने ये सब लोगों ने तय किया कि दिल्ली के अंदर एक भी वोट कांग्रेस को नहीं जाएगी सिख कम्युनिटी की, ये हम तय करेंगे और इसलिए आज हजारों की तादाद में ज्वाइन किया और ये ज्वाइनिंग लगातार इसी तरह ही आगे चलती रहेगी। विपक्ष का बहुत लंबा समय सोनिया गांधी जी, राहुल गांधी जी, गांधी परिवार यूपी से चुनाव जीतता रहा है, अब हमें भी पीड़ा तो होती है ना। विपक्ष के अंदर अब राहुल एक एंटरटेन करने वाला आदमी था, सोनिया जी लोकसभा में बैठती थी, चलो मुस्कुराती थी थोड़ा थोड़ा, तो वो चीजों को मिस तो करेंगे और मोदी जी भी मिस करेंगे, तो उनकी आंखों में भी जरूर इस बात के आंसू आएंगे कि इन लोगों को मैं मिस कर रहा हूं।